चलिए आपको ले चलते हैं विश्व हिंदू सम्मेलन में। अब सोच रहे हैं कि हिंदू से मिलेगा, इंडिक ट्रेडिशन से नया रास्ता मिलेगा और संपूर्ण विश्व में 50 के आसपास देशों में रहने वाले प्रमुख हिंदू यहां पर इकट्ठा हुए हैं हिंदू समाज का विचार करने के लिए। और कौन सा उपयुक्त समय चाहिए? यही समय है दुनिया को सिखाने का दायित्व परंपरा से अपना है। हम किसी भय से ग्रसित नहीं है, हम किसी प्रतिक्रिया में ये काम नहीं कर रहे, हम किसी के विरोध में ये काम नहीं कर रहे। इस काम को देके हर हिंदू को, हिंदू समाज को, हिंदू राष्ट्र को, भारतवर्ष को दुनिया में भेजा गया। जो दिया हुआ काम है वो हमको करना है और इस काम के लिए अपने आप को ठीक करना है। स्वामी विवेकानंद का संदेश था, पहला शब्द था अवेक, जागृत हो जाओ। हमारे पास वो है जो दुनिया को देना है, पहले हम जाने हम क्या है। हम अपने स्वयं को जाने, हम अपनों को जाने। लेट अस अवेक टू द प्लाइट एंड ऑल्सो टू द अचीवमेंट्स ऑफ हिंदूज वर्ल्ड ओवर। लेट अस एक्सटेंड अवर हेल्पिंग हैंड एवरीवेयर। लेट अस राइज अराइज अराइज इन यूनिसन एज ए हिंदू सोसाइटी, ए सोसाइटी विथ सर्टन वैल्यूज, ए सोसाइटी डिपिक्टिंग दोज वैल्यूज इन इट्स एंडीवर्स इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सब कार्य क्षेत्रों में। अराइज अराइज होके करना क्या है? आगे का वाक्य है स्टॉप नॉट, यानी चलना है, इसलिए कहा है रुको मत। तो लेट अस स्टार्ट अवर वॉक इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एकेडेमिया, मीडिया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एवरीवेयर। द लीडरशिप बेस्ड ऑन अवर वैल्यूज इज रिक्वायर्ड, लेट अस प्रोवाइड दैट लीडरशिप। लेट अस डेमॉन्स्ट्रेट अवर कैपेबिलिटीज इन दोज फील्ड्स, लेट अस डेमॉन्स्ट्रेट देम एज हिंदूज, नॉट ओनली इंडिविजुअल एग्जाम्पल ऑफ केपेबल पर्सन्स, एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव इंडिविजुअल ऑफ द हिंदू सोसाइटी। और हमारे उदाहरण के कारण लोगों को ऐसा लगे कि इस समाज के फॉर्म्यूलेशन पर हमको अपना पुनर्निर्माण करना है। तो हमारे उदाहरण से वातावरण बनाएंगे, उसमें सारा समाज अपने आप को फिर से ऑन द वैल्यूज ऑफ सेमनेस ऑफ ह्यूमैनिटी ढाल लेगा। ये काम हमको करना है और ये काम तब तक करना है जब तक पूरा नहीं होता। स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। इसका विचार हम इस परिषद में करेंगे, हिंदू मूल्यों के आधार पर करेंगे। उन मूल्यों, वो मूल्य सनातन है, धर्म धम्म ट्रेडिशंस में सनातन उनको कहा जाता है। उन मूल्यों के कारण ही विश्व ठीक चल सकता है, संतुलन लेकर चल सकता है। मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल नहीं, सर्वे भी सुखी न संतु हो सकता है, वही करना है। लेकिन कौन कर सकेगा? जिसकी योग्यता होगी। ऐसा कहते हैं कि एक बार स्वर्ग में सब देवता एकत्र हो गए, अमृत पीना है, देवता अमृत पीते हैं, हेवनली नेक्टर, अमृत बनाया। अमृत के कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं मुझे पता नहीं,
देवों को पता थे, उन्होंने वो एकत्र जमाए। क्या उसको गर्म करना था, कुछ छोक लगानी थी, बघारना था, वो सब करके अमृत लाया, अमृत पात्र आ गया। और सबको देने के पहले इंद्र ने उसको थोड़ा सा चखा, देने लायक है कि नहीं। उसने कहा कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये बना नहीं है अभी। इट इज नॉट येट राइप दैट नेक्टर, सो इट कैनॉट बी सर्व्ड। दौड़े इंद्र के सब किचन में जो लोग थे वो दौड़े, उन्होंने उसमें क्या डालना, ये डालना, वो डालना, ऐसा करना वैसा, सब करके देख लिया। देवों ने किया, बाद में देवों ने अपनी मंत्र शक्तियां चलाई, अपनी अपनी शक्ति लगाई, कुछ नहीं हुआ। भगवान शिव के पास गए। अमृत को कौन जानता है? जो जहर पीना जानता है वो अमृत को जानता है। शिव जी ने अमृत को देखा और कहा कि अमृत पीने लायक हो तो सकता है, लेकिन मैं इसको नहीं कर सकता हूं, तो कौन कर सकता है? तो ले, आपको जाना पड़ेगा पृथ्वी पर, क्योंकि ये उनका काम है जिनका मन है, जिनको संवेदना है। देवताओं को मन नहीं होता है ऐसा मानते हैं।